दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hey guys, welcome back to the channel. This is Pankaj with you. IPL 2020 का सातवां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग और दिल्ली कैपिटल के बीच में होने वाला है। जी हाँ, पंजाब को धूल चटाने के बाद जब दिल्ली के दिलेर तैयार है धोनी के धुरंधरों से दो दो हाथ करने के लिए, यानी कि एक तरफ होंगे किसी भी बल्लेबाजी क्रम का कबाड़ा बना देने वाले रबाड़ा, वहीं दूसरी तरफ होंगे किसी भी गेंदबाजी लाइनअप का वॉट लगा देने वाले वॉटसन। जी हाँ, बहुत ही कमाल का मुकाबला होने वाला है ये, तो आप बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। सबसे पहले बात करते हैं कि यह मुकाबला कब खेला जाएगा और कहां खेला जाएगा, साथ ही साथ क्या है पिच का हाल। तो ये जो मुकाबला है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, लगातार दूसरा मुकाबला इस ग्राउंड पर खेला जा रहा है। अब तक इस ग्राउंड पर तीन मुकाबले खेले जा चुके हैं और तीनों ही मुकाबलों पर अगर आप गौर करें तो आपको दिखेगा कि तेज गेंदबाज काफी किफायती साबित हो रहे हैं, साथ ही साथ इस विकेट पर उनको विकेट भी मिल रहा है। इस वजह से रबाड़ा, सैम कुरान और दीपक चहर जैसे गेंदबाजों का बोलबाला हो सकता है। बल्लेबाजी करना इस विकेट पर उतना आसान नहीं होने वाला है इस मैच में, इस वजह से एक बार फिर से आपको एक एवरेज स्कोर वाले गेम से काम चलाना पड़ेगा। 160-70 के आसपास का स्कोर आपको दिखाई दे सकता है। अब बात करते हैं दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 की। सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग की। तो मुंबई फतह करने के बाद चेन्नई को राजस्थान के हाथों अपने पिछले मुकाबले में मात खानी पड़ी थी। चेन्नई के गेंदबाजों ने रॉयल्स के खिलाफ कई सारी गलतियां करी थी, लेकिन आपको बता दें कि वो पिच अलग थी और ये पिच अलग है। इस मैच में चेन्नई के गेंदबाज वापसी कर सकते हैं, साथ ही साथ दिल्ली की अनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप की धज्जियां भी बिखेर सकते हैं। वैसे एक या दो चेंजेस भी हमें चेन्नई की टीम में देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है लुंगी एंगिडी की जगह जोस हेजलवुड को खिलाया जाए। वाकई में पिछले दो मैचों में जमकर पिटाई की गई है, मतलब कि नगीड़ी बहुत ही ज्यादा पिटौर हो गए हैं। वहीं सैम कुरान फिर से दो तीन विकेट चटका कर पर्पल कैप अपने पास रख सकते हैं। जडेजा ने भी इस टीम के खिलाफ 12 विकेट ले रखे हैं। जी हां, दिल्ली के खिलाफ 12 विकेट उन्होंने लिया है, तो वो भी दिल्ली के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी करते हुए विकेट चटकाते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। बात करें चेन्नई की बल्लेबाजी की, तो मैं आपको बता दूं कि इस मैच में धोनी आपको ऊपर बैटिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी हां, पिछले कुछ दिनों से इस सवाल का जवाब पूरा देश जानना चाहता था कि आखिर क्यों धोनी इतना नीचे खेलने के लिए आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि इस सवाल का जवाब धोनी ने खुद ही दिया है कि वो लंबे समय से क्रिकेट नहीं खेले थे, इस वजह से वो नीचे बैटिंग के लिए आ रहे थे। लेकिन राजस्थान के खिलाफ उन्होंने 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाए थे लास्ट ओवर में, आपको याद होगा, तो जिनमें से 2 छक्के आउट ऑफ पार्क चले गए थे। इससे उनका कॉन्फिडेंस जरूर लौटा होगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि धोनी का बल्ला दिल्ली के खिलाफ खूब तबाही मचाता है, जमकर आग उगलता है। तभी तो उन्होंने दिल्ली के खिलाफ सीएसके की तरफ से सर्वाधिक 529 रन बना रखे हैं। वहीं लगातार 2 बैक टू बैक हाफ सेंचुरी लगाने वाले फॉफ डुप्लेसिस की भी हैट्रिक हाफ सेंचुरी हमें देखने को मिल सकती है। चेन्नई के फैंस के लिए सबसे खुशी की बात तो यह है कि वॉटसन ने पिछले मुकाबले में अपना लय प्राप्त कर लिया था, यानी कि वॉटसन दिल्ली के गेंदबाजों की वॉट लगाने के लिए अब पूरी तरीके से तैयार है। इनफॉर्म बल्लेबाज अंबाइती रायडू इस मुकाबले में भी आराम फरमाएंगे क्योंकि वो चोटिल है। अब बात करते हैं दिल्ली के दिलेरों की। तो दिल्ली की टीम अपने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ इस मुकाबले में उतर सकती है। जी हां, बदलाव की जो चांसेस हैं वो ना के बराबर है। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि आर अश्विन तो चोटिल हो गए थे, तो मैं कैसे बोल रहा हूं कि टीम अनचेंज रहने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि आर अश्विन अब पूरी तरीके से फिट हैं और अपनी धारदार गेंदबाजी चेन्नई के खिलाफ जारी रख सकते हैं। बात करें अगर चेन्नई दिल्ली के फॉर्म की, तो इन्होंने अपना पहला मैच पंजाब के खिलाफ बेशक जीत लिया था, लेकिन अंपायर की गलतियों से और किस्मत की वजह से। लेकिन हर बार ना ही अंपायर गलती करते हैं और ना ही किस्मत साथ देती है, इसलिए अगर इन्हें आगे भी जीतते रहना है तो अंपायर और किस्मत पर नहीं बल्कि अपने खेल पे डिपेंड होना पड़ेगा, खेल पे आश्रित होना पड़ेगा। मार्कस स्टोनिस को छोड़कर किसी भी बल्लेबाज ने पंजाब के खिलाफ अच्छा नहीं खेला था, अच्छा स्कोर नहीं किया था। लेकिन इस मुकाबले में दिल्ली के बाकी के दिलेरों को भी अच्छा खेलना पड़ेगा, क्योंकि भैया ये जो मैच है चेन्नई के खिलाफ है, जिसके खिलाफ इनका रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा खराब है। उम्मीद है कि गब्बर का बल्ला गरजेगा, साथ ही साथ हिटमायर भी हिट करेंगे। बात करें अगर इनकी गेंदबाजी की, तो रबाड़ा अच्छे फॉर्म में है, वो अकेले ही चेन्नई के बल्लेबाजों का कबाड़ा बना सकते हैं, इनका साथ निभा सकते हैं आर अश्विन, जिन्होंने अपने पिछले मुकाबले में चोटिल होने से पहले एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट चटकाए थे, साथ ही साथ वो लंबे समय तक चेन्नई का हिस्सा भी रहे हैं, तो उनकी कमजोरियों और ताकतों से अच्छे तरीके से वाकिफ भी हैं। अब बात करते हैं इतिहास की। तो इतिहास में इन दोनों टीमों का आमना
का सामना 21 बार हो चुका है, जिसमें से 15 बार धोनी के धुरंधरों ने दिल्ली को धूल चटाई है, वहीं 6 बार दिल्ली के दिलेरों ने किस्मत चमकाई है। पिछले साल ये दोनों टीमें 3 बार आमने सामने हुई थी, जिसमें से तीनों ही बार दिल्ली को मुंह की खानी पड़ी थी। अब बात करते हैं एक्स फैक्टर्स की, तो चेन्नई की तरफ से मुरली विजय एक्स फैक्टर का रोल प्ले कर सकते हैं। जी हाँ, आपको सुनकर थोड़ी सी हैरानी हो रही होगी, लेकिन आपको बता दें कि वो अपने फॉर्म को तलाश रहे हैं और उन्हें इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने दिल्ली के खिलाफ 336 रन बना रखे हैं। बहुत ही अच्छा फॉर्म रहता है दिल्ली के खिलाफ, अपने फॉर्म को तलाश रहे हैं, तो ये एक सुनहरा मौका है और वो एक्स फैक्टर का रोल प्ले कर सकते हैं। वहीं दिल्ली की तरफ से आर अश्विन एक्स फैक्टर का रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, साथ ही साथ चेन्नई की ताकतों और कमजोरियों से अच्छे तरीके से वाकिफ है। अब बात करते हैं कि कौन सी टीम इस मुकाबले में दमदार साबित होगी, धोनी के धुरंधर धूम मचाएंगे या फिर दिल्ली के दिलेर किस्मत चमकाएंगे। तो मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग धोनी के धुरंधर धूम मचा सकते हैं और दिल्ली को धूल चटा सकते हैं। जी हां, सीएसके जो है वो मेरे अनुसार इस मुकाबले को जीत सकती है। अगर आपको भी लगता है कि धोनी के धुरंधर इस मुकाबले में धूम मचाएंगे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि दिल्ली के दिलेर किस्मत चमकाएंगे, तो कमेंट करके बताइएगा कि क्यों। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।